सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, आज हम लोग व्यंजन ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे व्यंजन हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट 2-3 क्लासेस में पढ़ा है ना, उसी को मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो ये रिविजन इसलिए है कि अगर आप भूल गए हो कि कैसे उसे प्रोनाउंस करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए एक बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर प से। ठीक है, प से हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, प से पतंग। याद रखिए कि ये वाला जो लाइन है वो हमें दोनों लिप्स को टच करके बोलना है। प, प से पतंग, प से पपीता। मेरे आगे आगे अभी बोलिएगा बच्चों, तभी आपको ये याद होगा। प से परी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ से फल, फ से फव्वारा और फ से फली। ब से बरगद, ब से बतख और ब से बकरी। आगे बढ़ते हैं। भ, हार्ड सा, भ से भवन, भ से भालू और भ से भगत। नेक्स्ट लेटर जो है म, म से मछली, म से मदारी, म से मगर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने किया प, फ, ब, भ, म। अब नेक्स्ट वाली लाइन में आएंगे, वो है य, य से यान, य से यज्ञ, य से याक। नेक्स्ट है र, र से रथ, र से रस्सी, र से रबर। नेक्स्ट है ल, ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लकड़ी। नेक्स्ट लेटर है व, व से वक, व से वर्षा, व से वन। तो हम लोगों ने ये भी लाइन कंप्लीट कर लिया है जो है य, र, ल, व। आगे बढ़ते हैं, वो है श, श से शरबत, श से शलगम, श से शरीफा। नेक्स्ट है स, स से सतरस, स से षटकोण, स से सट। आगे बढ़ते हैं, वो है स, स से सतरंग, स से सब्जी, स से सर्कस। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने किया है स। आगे बढ़ते हैं, वो है लास्ट लेटर ह, ह से हल, ह से हथेली, ह से हवाई जहाज। तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है प से लेकर ह तक। हम लोग एक्चुअली इसे रिवाइज कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये सब इन सभी चीजों के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो एक बार डिटेल में से देख लीजिएगा और उसी को एक साथ क्विक रिविजन के लिए, जल्दी से रिवाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, तो ये है ह से ये सभी शब्द। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।